लॉग आउट करता हूँ मैं, इसमें ईमेल पासवर्ड वाला सिर्फ लगा है ऑथेंटिकेशन। अब हमने इसमें सोशल लॉगिन अप्लाई करना है एक अदर। अच्छा, सोशल लॉगिन हम कौन सा वाला करेंगे? हमारे पास फायरबेस में ऑथेंटिकेशन में मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे लॉगिन के मेरे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। अभी इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, यूज़र्स का टैब खुला हुआ है जिसमें मुझे वो तमाम यूज़र नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त साइन अप हुए हैं मेरे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और लास्ट कब वो साइन इन हुए हैं वो भी बात यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। मैं जाता हूँ साइन इन मेथड में, और साइन इन मेथड में जाके मैं कहता हूँ ऐड अ न्यू प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मेरे पास देखो ये सारे प्रोवाइडर्स आ गए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फेसबुक पे, ठीक है। अब फेसबुक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझसे ये क्या कह रहा है कि आप अपनी ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट बता दो। अब ये कहाँ से लाऊंगा भाई, तो मैं पहले तो इसको इनेबल तो करूँ, ठीक है। इनेबल कर दिया मैंने, अब ये दोनों एरर दे रहे हैं। अब इसका क्या करें, अब इसका करें ये, यहाँ पे छोटा सा एक लिंक आ रहा है, टू कंप्लीट सेटअप एंड दिस ओथ रिडायरेक्ट यूआरआई लर्न मोर इधर। ये मुझे कहाँ ले गया, डॉक्यूमेंटेशन में ले गया कि भाई कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या चक्कर है इसका, ये मुझे वहाँ लेकर चल गया, ठीक है। चलते हैं जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो इधर बता ही नहीं रहा, इधर चलते हैं वेब वाले में। वेब 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 के अंदर जाके फेसबुक लॉगिन, राइट, फेसबुक लॉगिन आ गया। अब फेसबुक लॉगिन में ना बिफोर यू बिगिन मैंने प्री रिक्विजिट क्या चीज है, नंबर एक, ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। ऐड फायरबेस का मतलब है जो कॉन्फ़िग वगैरह है ना, जो हमने लास्ट अभी देखा था, लास्ट किया जब हमने फायरबेस का जो हेलो वर्ल्ड किया था उसी वक्त हमने कर लिया था, तो वो कॉन्फ़िग की फाइल लगा के और वो इनिशियलाइज ऐप करके वो काम ये बता रहा है कि भाई पहले करना होगा। नंबर दो, ऑन फेसबुक डिवेलपर साइट, आपको फेसबुक की डिवेलपर साइट पर जाके वहाँ से ऐप आई डी और ऐप सीक्रेट तलाश करके इधर लाना होगा, सही है। तो चलते हैं इधर फेसबुक के डिवेलपर पर, ये तो मुझे इधर ही लेके चला गया, वो थोड़ी ना बंद करना था। अच्छा सही है, इसको मैं नए टैब में खोलता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट तो अपनी जगह पे रहे ना जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जाने दो भैया आगे बढ़ाओ। ये मेरे पास क्या खुल गया, developers.facebook.com, ठीक है। इस पे जाहिर है मैं पहले से साइन अप था तो कंटिन्यू किया, ओके हो गया। आप पहली दफ़ा आएंगे तो आपसे ये कुछ सवाल जवाब करेगा और उसका जो आपने ना डिफ़ॉल्ट जो आंसर होगा वही देना है। अब मैंने तो बहुत ज़माने पहले अकाउंट बनाया था, मुझे नहीं पता कि अभी नया अकाउंट बनाने पे ये क्या क्या पूछता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे एक दो ही बातें पूछेगा आपसे। तो अच्छा, इसके बाद मैं चला जाता हूँ माई ऐप्स के अंदर। माई ऐप्स में जैसे ही गया तो ये मेरी पहले से जो बनी हुई ऐप्स आ रही हैं वो सारी पहले से यहाँ पर आ रही हैं। आपके पास जाहिर है ये सारी ऐप्स नहीं आएंगी आपका अगर नया अकाउंट है। यहाँ पे मैं कहूँगा क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप जब मैंने किया तो मुझसे ये बहुत सारे ऑप्शंस पूछ रहा है कि यार आपकी जो ऐप की टाइप क्या है, ठीक है। तो मैं इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। नन में क्या है, क्रिएट एन ऐप विद कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस परमिशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं नन कर दूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं गेमिंग या बिज़नेस सेलेक्ट करता हूँ तो मुझसे ये बिला वजह के सवाल पूछेगा कि भाई अब बिज़नेस का नाम बताओ, एड्रेस बताओ दोस्तों। तो मैंने नन कर दिया इसको, मैंने कहा भाई देख लेंगे बाद में। कह रहे हैं कि आपकी ऐप का एक नाम होना चाहिए भाई, यानी एक तो आपने रखा है ना फायरबेस पे नाम, अब आप फेसबुक पे एक एंटिटी बनने जा रहे हैं तो फेसबुक पे आपका जो बिज़नेस का जो नाम है ना वो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि यार फायरबेस नाम इसमें नहीं रख सकते आप, नहीं फेसबुक नहीं रख सकते, FB भी नहीं रख सकते यार, क्या नाम रखूँ इसका, ऑथ एग्जांपल, सोशल ऑथ एग्जांपल, सही है, सोशल ऑथ एग्जांपल मैंने नाम रख दिया। कॉन्टैक्ट ईमेल मैंने ये रख दिया इसका जो था मेरा, ठीक है। बिजनेस अकाउंट जो है वो ऑप्शनल है तो वो ठीक है बस। क्रिएट ऐप, ऐप मेरी क्या हो गई, क्रिएट, मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है ये, ठीक है जी। पासवर्ड मैंने बता दिया इसको, ओके
ठीक है जी, ये ऐप मेरे सामने क्या हो गई, बन के आ गई। अब ये इनको अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए था कि ये प्रोसीजर कैसे होगा, लेकिन बहरहाल इन्होंने बोला कि बस जाओ और आईडी लेकर आ जाओ। वेल, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फेसबुक लॉगिन, द वर्ल्ड्स नंबर वन सोशल लॉगिन प्रोडक्ट बकवाल इनके। इस पर मैं सेटअप का बटन दबा दूंगा, सेटअप का बटन दबाऊंगा। पूछ रहा है iOS, Android या वेब, मैंने कहा वेब, ऑब्वियसली वेब। कह रहे हैं कि साइट का URL बता दें आप, टेल अस योर साइट URL। मेरी जो साइट का URL है वो फायरबेस पे ही होस्टेड है, तो चलते हैं इसको ज़रा ये बता देते हैं। कहाँ गया URL मेरा यार, गुम हो गया। अच्छा मैंने इधर उसमें लगाया हुआ था ना रीडमी में, वहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी होस्टिंग URL है जिस पे मैं इसको होस्ट कर चुका हूँ। अब ये होस्ट कैसे हुआ था ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आके ये URL इसको बता दिया, मैंने कहा नेक्स्ट। अबे आगे चल भाई, नेक्स्ट क्या हो गया, सोच रहे हो, फुल सोचों में गुम है। अच्छा कंटिन्यू, कह रहे हैं कि भाई ये जो आपका है ना कोड पूरा, ये आप ले जाके अपने पेस्ट कर दो अपने पास, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फायरबेस के तरीके से कर रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट किया मैंने, कह रहा है बस ये भी सारा कोड वोड है इसको भी कॉपी वॉपी कर लो। मैंने कहा भाई नेक्स्ट, और नेक्स्ट दोबारा, बस हो गया। यार ये तो मुझे दिया ही नहीं इसने ऐप आईडी और सीक्रेट, असल में शायद मुझे सेटिंग में जाना था, मैं भी असल में भूल गया हूँ। मुझे ये इस पे यस करना ही नहीं था, डैशबोर्ड पे आते हैं वापस, नहीं नहीं मुझे उस पे यस करना ही नहीं था, जो सेटअप मैंने किया था ना वो मैंने गलत प्रेस कर दिया था, उस पे करना ही नहीं था मुझे। ये फेसबुक लॉगिन यहाँ पे ओके हुआ पड़ा है, लेकिन ये मुझे नहीं करना था आई थिंक। ऐप आईडी तो वही है, सीक्रेट भी चाहिए ना मुझे, सीक्रेट भी चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। अब ये कहाँ से आता था मैं भूल गया, ओके सेटिंग में ही आता है ये, दोनों बेसिक सेटिंग में गया। हाँ ये रहा ना शो सीक्रेट, ये सीक्रेट शो हो गया मेरा, ये ऐप आईडी है मेरी, ये सीक्रेट है, तो मुझे वो लॉगिन पे सेटअप नहीं करना था, वो मैंने बाई मिस्टेक कर दिया। अच्छा आ जाते हैं जी इधर, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट, ऐप सीक्रेट सही है जी, ऐप सीक्रेट भी आ गया, ऐप सीक्रेट हो गया। अच्छा अब क्या करना है, ये मेरा रिडायरेक्ट URL है राइट, कॉल बैक URL कहते हैं इसको, इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब ये कॉल बैक URL ना मुझे वहाँ पे वो लगाना है, ले जाके ना OAuth पे लगाना है। अब ये OAuth कहाँ होता है ज़रा देख लेते हैं उधर, OAuth मेरे ख्याल है उसी के अंदर तो नहीं था, फायरबेस लॉगिन के अंदर, ये इस पे चलते हैं वापस सेटिंग में, यहाँ पे कहीं OAuth URL अगर दिख रहा होगा ना वहाँ पेस्ट कर देंगे, काम पूरा होगा। हाँ ठीक है ये रहा हमारा OAuth URL, करना था इस पे सेटअप, इस पे सेटअप करना था भाई। अच्छा OAuth URL मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है पेस्ट किया, और क्या काम है बस, मैंने कहा सेव, सेव चेंजेस, दैट्स इट। ठीक है जी, बस मेरा ख्याल है और तो कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है वो, मैं ठीक है बस सेव चेंजेस हो गया, और डैशबोर्ड पे जब मैं वापस जाऊंगा तो फेसबुक ओके। अच्छा ऐप मेरे पास डेवलपमेंट मोड है और एक लाइव मोड है, ठीक है डेवलपमेंट मोड में क्या होता है, सिर्फ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको लाइव करता हूँ तो ये क्या बोलता है, कहता है भाई प्राइवेसी पॉलिसी का URL दो, और कुछ चीज़ें और भी होती हैं जैसे फ़ोटो वगैरह, ये चीज़ें इसको देनी पड़ती हैं हमें, तो वो आपको इसको देनी पड़ेंगी जब ये लाइव मोड में जाएगा। फिलहाल इसको हम लाइव मोड में नहीं करते हैं, हम वापस आ जाते हैं फायरबेस पे, और फायरबेस पे आके मैं बटन दबा देता हूँ सेव। मैंने सेव का बटन दबा दिया, मेरे पास फेसबुक का जो लॉगिन है वो क्या हो गया, इनेबल हो गया। फेसबुक का लॉगिन वंस इनेबल होने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या किया मैंने, अब मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स में कि फेसबुक का लॉगिन लगेगा कैसे मेरी ऐप में।
यहाँ से तो इनेबल हो गया प्रोवाइडर, अब ऑथेंटिकेशन में गया, ठीक है जी, डेवलपर से मैंने ऐप आईडी और सीक्रेट मंगवा लिया, इनेबल फेसबुक लॉगिन, ये भी मैं कर चुका हूँ एक्चुअली, कह रहे फायरबेस के कॉन्सोल में जाओ, ऑथ सेक्शन में जाओ, साइन इन मेथड इन ऐड करो, अच्छा ये बताया मैंने यार, कह रहे देन मेक श्योर द ओ ऑथ एंड यू आर रिडायरेक्ट यू आर आई, जैसे कि कुछ इस तरह की यू आर आई होगी आपके पास, एक वो कहाँ पे पेस्ट करनी है जाके, प्रोडक्ट सेटिंग और फेसबुक लॉगिन और कॉन्फिग, इसमें सही है, फेसबुक लॉगिन में ही जाके हमने पेस्ट किया है, ठीक है, हो गया ये काम। अब यहाँ पे नीचे ये कोड है कि भाई होगा कैसे, इम्पोर्ट किया फायरबेस का ये जो ऑथ का मेथड था हमारा, ये कहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा मुझे, ऑब्वियसली लॉगिन के पेज पे करना होगा, पहले मैं साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड कर चुका हूँ, और मैं अब बोलूँगा फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर, ये मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लिया फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, इसको नीचे मैंने क्या कर लिया, इनिशियलाइज भी कर लिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रोवाइडर इक्वल्स टू न्यू फेसबुक प्रोवाइडर, अच्छा इसको सबको मुझे क्या करना है, इन सबको मुझे कंपोनेंट के अंदर करना है, कंपोनेंट से बाहर करने की सूरत में वो क्या होगा, वो एरर देगा कि भाई अभी तक तो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, अच्छा अब आगे क्या करना है भाई, कह रहे ऑप्शनल में ना आपको ये स्कोप भी बताना है, स्कोप क्या चीज़ होती है कि स्कोप बाय द वे इसको लिख देते हैं, स्कोप यूज़र बर्थडे, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा स्कोप क्या होता है, ठीक है, मैंने कहा प्रोवाइडर में स्कोप ऐड करो, अब ये स्कोप कौन कौन से होते हैं, ये फेसबुक के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि ये और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, उसके फ़ोटोज़ का एक्सेस चाहिए, उसके ग्रुप्स का एक्सेस चाहिए आपको कि कौन कौन से ग्रुप, तो ये सारे कहलाते हैं स्कोप्स, ठीक है, ओऑथ 2.0 का जो लॉगिन प्रोटोकॉल है उसमें इसको स्कोप इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, जैसे अभी गिटहब से हमने किया था, वो कह रहा था प्राइवेट रिपोजिटरीज का एक्सेस दो मुझे, ऑथराइज़ किया मैंने कि ठीक है भाई प्राइवेट रिपोजिटरीज का एक्सेस दिया, ठीक है, तो अब जो आपको टोकन मिलेगा ना उससे आप क्या कर सकते हैं, यूज़र की बर्थडे गेट कर, मतलब हम नहीं करेंगे वो, तो फायरबेस से हम कर रहे हैं तो वो खुद ही हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो जब ये बंदा लॉगिन करेगा ना तो इसकी बर्थडे भी आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी, सही है, फेसबुक पे उसने जो जो डिटेल डाली हुई है, अपना बर्थडे, अपना करंट जॉब क्या कर रहा है, लिव कहाँ रहता है, वो जो जो डाला हुआ है वो मैं स्कोप में लिख सकता हूँ और वो चीज़ें मुझे मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी, अच्छा ये ऑप्शनल है कि आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं कि भाई लैंग्वेज क्या होगा, ठीक है, जाहिर है फेसबुक तो खुलेगा, वो तो किसी भी लैंग्वेज में आप खुलवा सकते हो, तो इटली विटली कोई भी आप कर सकते हो, ठीक हो गया भाई आगे, अच्छा डिस्प्ले किस तरह का है, ये भी एक बहुत वो है, एक डिस्प्ले ये हो सकता है कि भाई उसी पेज पर आपका एक पॉपअप खुल जाए, ठीक है, पॉपअप खुल जाए सामने, एक तरीका ये हो सकता है कि एंटायरली वो नया विंडो खोले, एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ऐप इंस्टॉल है तो वो ऐप खोल ले, तो कई तरीके हो सकते हैं मुख्तलिफ इसके, सही है, तो मैंने कहा भाई पॉपअप वाला ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट बताया है, अब और कौन कौन से हो सकते हैं इसके अलावा, वो आप डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है ना आगे अभी इसमें वो मेंशन हुआ होगा कि यार ये ना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर रेफरेंस, इसमें जाके मैं देख सकता हूँ कि और कौन कौन से भी तरीके हैं इसके अंदर अवेलेबल, तो लोडिंग नहीं ले रहा है, हाँ डिस्प्ले कहाँ गया, ये तो जूम कर दिया इस तरफ वाले में देख लो, असल में ये वाइट स्क्रीन पे कर रहा है, ब्लैक पे तो सही है, ये प्रोजेक्टर थोड़ा सा शायद मसला हो गया इसमें भी, अच्छा ये कह रहे हैं भाई डिस्प्ले में क्या क्या हो सकता है वो फेसबुक पे देख लो जाके, तो फेसबुक पे चलते हैं हम, पर ये बता रहा है कि भाई क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह के मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें आप कर सकते हैं, वेल अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट पे ज़रा एक दफ़ा चला के तो देखें,
पहले हेलो वर्ल्ड तो चले, उसके बाद ये पैरामीटर्स, ये कॉन्फ़िगरेशन सारी आप वो देखते रहेंगे आप, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा इसको मैं ये वाला कर देता। अच्छा तो ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसने कुछ कर दी भाई, ठीक हो गया। अब लास्ट हमारा आ गया फाइनल कि भाई साइन इन विद पॉपअप और ऑथ और प्रोवाइडर, ये वो फंक्शन है जो हमने अब रन करना है। अब जाहिर है उसके लिए हमें एक तो बटन भी बनाना होगा कि भाई उस बटन को प्रेस करने पे वो जो है वो लॉग इन करे फेसबुक से। एक तो ये था ना लॉग इन हैंडलर, ये लॉग इन हैंडलर वो था कि मतलब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ईमेल और वो गेट करके और उसको भेजेगा। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं, बाद क्लास के बाद बात करता हूँ। अच्छा तो एक तो ये लॉगिन हैंडलर मैंने बनाया हुआ था पहले से, वही स्क्रीन अच्छा स्क्रीन के साथ कोई मस्ती नहीं है। अच्छा ये लॉगिन हैंडलर जो था ये कौन सा वाला था जो इस फॉर्म के सबमिशन पे चलता था। अब इस फॉर्म के अलावा मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, मुझे बीआर लगा के बटन्स बनाने हैं मुझे, ठीक है, लॉग इन विथ फेसबुक, ठीक है, और इसी तरह लॉग इन विथ गिटहब और लॉग इन विथ और, ठीक है, सही है। जो भी आपके सोशल लॉगिन्स होंगे ना वो सारे बटन यहाँ पे बने हुए होंगे इस तरह करके, ठीक है, समझ आ रहा है ये। अब इसके ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, फेसबुक का लॉगिन कुछ जो भी खुलवाना है मुझे वो खुलवाऊंगा, फेसबुक लॉगिन हैंडलर, राइट, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, फेसबुक का लॉगिन हैंडलर बनाना है। सही, इसमें मुझे इवेंट शायद चाहिए नहीं, और यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, वो वाला कोड पूरा का पूरा पेस्ट कर देना है जो मुझे फायरबेस से मिला है, ठीक है, ऑथ इक्वल्स टू गेट ऑथ, गेट ऑथ हमें पता है क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने वो काम किया था इससे पहले। अच्छा साइन इन विद पॉपअप हमें ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वो नहीं इम्पोर्ट किया हुआ हमने, सही है, साइन इन विद पॉपअप हमने क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है ये साइन इन विद पॉपअप इम्पोर्ट नहीं हुआ, बताइए हमने इम्पोर्ट कर लिया, तो इस बटन की क्लिक पे क्या होगा, ऑथ यहाँ पे बनेगा। अच्छा ये ऊपर जो मैंने ये काम किया है ना सारा प्रोवाइडर वाला, ये प्रोवाइडर वाला काम भी किधर होगा, वो यहाँ होगा इसके अंदर, ठीक है, ये प्रोवाइडर फेसबुक प्रोवाइडर, स्कोप बता दिया, कस्टम पैरामीटर्स अगर कोई दे रहे हैं तो वो दे दिए, वो फेसबुक पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से कस्टम पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, ठीक है, गेट ऑथ, ऑथ दिया, प्रोवाइडर दिया, और देन पे मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी अब इसके अंदर क्या हो रहा है, साइन इन विद पॉपअप मैंने क्लिक किया, इसमें ये ऑथ और प्रोवाइडर दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी, देन पे मुझे क्या मिलेगा, या तो रिजल्ट मिलेगा या तो कैच में मुझे एरर मिलेगा, सही है। अब देन पे जो रिजल्ट है उसमें मुझे क्या क्या मिलता है, यूज़र मिलता है मुझे पूरा, जो भी यूज़र की डिटेल फेसबुक से एक्सट्रैक्ट हुई है वो सारी मुझे यहाँ मिलती है, ठीक है, उसके अलावा मुझे क्या मिलता है, एक्सेस टोकन मिलता है। एक्सेस टोकन क्या चीज़ है, एक ऐसा टोकन है जिसके ज़रिए मैं डायरेक्ट फेसबुक की ग्राफ API कॉल कर सकता हूँ और उस यूज़र का कोई भी डेटा उठा सकता हूँ, ठीक है। इस टोकन की वैसे आमतौर पर ज़रूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि मुझे जो मैंने स्कोप में लिखा है ना वो मुझे इसी यूज़र में ही मिल जाता है, देखते हैं इस यूज़र को कॉन्सोल करा लेते हैं, लेकिन जस्ट इन केस मुझे अगर ये आमतौर पर टोकन अगर मुझे सेव करवाना है अगर कि इन फ्यूचर मैं उसका डेटा उठा सकूँ बंदे का, तो मैं उससे कर सकता हूँ। आपको याद है जब हम ये ट्विटर की API कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें यही वाला टोकन वो कह रहा था मुझे चाहिए,
और वो हमने बड़ा लंबा प्रोसीजर किया, वो फिर टाइम की कमी की वजह से वो हम कर नहीं पाए थे। तो वेल मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये यूज़र है और इसको आप क्या कर दो, इसको आप प्रिंट कर दो कि जो भी यूज़र में मिला है ना वो मुझे इधर बता दो कि क्या मिला है। अच्छा, जैसे ही ये आपका देन चलेगा तो देन चलते ही क्या होगा, ऑथ चेंज का जो स्टेट लगा हुआ था वो चलेगा और ऑटोमेटिकली आप होम की स्क्रीन पे चले जाएंगे। सही है। अच्छा, ये यूज़र में क्या प्रिंट होता है ज़रा ये देख लेते हैं। बाकी एरर के ऊपर जो है मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्सोल डॉट लॉग बोलता हूँ कि भाई क्या हो चुका है आपका एरर इन फेसबुक लॉगिन। सही है, दैट्स इट। एरर मुझे स्क्रीन पे दिखाना चाहिए लेकिन फ़िलहाल मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, फ़िलहाल मैं इस पे दिखा रहा हूँ। आ जाते हैं ज़रा हम स्क्रीन पे अपने देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है मुझे अभी। मेरी स्क्रीन कब कुछ इस तरह की दिख रही है मुझे, ठीक है। फेसबुक लॉगिन, गिटहब लॉगिन, ये सब इसके ऊपर लगेगा, हर बटन पे सबका अलग अलग एक हैंडलर बनेगा। जैसे मैंने एक बता दिया इसी तरह बाकी सब भी होंगे। मैंने लॉगिन विद फेसबुक क्लिक किया तो क्या होगा, एरर दे देगा ये, ठीक है। सबमिट फॉर लॉगिन रिव्यू, कह रहे हैं कि सम परमिशन बिलो हैव नॉट बीन अप्रूव्ड बाय फेसबुक, कह रहे हैं कि भाई फेसबुक ने अप्रूव नहीं किए। एडिट एक्सेस में जाऊंगा, देखो यहाँ पे बर्थडे आ रहा है, इसको मैं चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ एज अ यूज़र, और मैं कहता हूँ कंटिन्यू। अरे चल गया ये तो यार, चलना नहीं चाहिए था इसको भाई, तब चलना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि ये होस्ट नहीं हुआ हुआ ना अभी, वो URL इसका 3000 आ रहा है लोकल, या मे बी इन्होंने लोकल देख के उन्होंने बोला चलो टेस्टिंग कर रहा होगा बंदा। वेल तो मैं क्या हो गया हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं क्या हूँ, लॉगिन हूँ। और जो मेरा यूज़र है, जो आप देख रहे हैं मेरे पास यूज़र में मुझे क्या मिला है, ईमेल मिल गई है मेरी, सही है। फोटो का URL मिल गया, ये देख रहे हो, क्योंकि मैं फेसबुक से लॉगिन हुआ हूँ ना इस बार, तो फेसबुक पे मेरी एक अदद फ़ोटो भी है, वो उसका URL मिल गया। न्यू टैब खोल के मैं ज़रा ये एंटर करूँगा ना, ये फ़ोटो आई है, ठीक है। वैसे मेरी ये फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो तो मेरी डिफरेंट लगी हुई है। डिस्प्ले नेम आ गया, जिस नाम से मैं फेसबुक पे था उस ये आ गया वो नाम, सही है। और भी कुछ चीज़ें आई हैं इसमें, वो भी आ रहा होता बर्थडे, लेकिन वो मैंने बंद कर दिया इसलिए नहीं आया, वो मैंने लॉगिन करते हुए ना मैंने बंद कर दिया था बर्थडे, इसलिए वो नहीं आया, ठीक है। स्कोप में आप और भी कुछ चीज़ें चाहें तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा नाम क्या शो हो रहा है, जिस नाम से फेसबुक पे था जो अकाउंट मेरा उसी नाम से यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये हमारा सोशल लॉगिन कौन सा वाला पूरा हो गया, फेसबुक वाला, ठीक है। अब यहाँ से मैं लॉग आउट करूँगा तो मैं ईमेल से लॉगिन करूँगा, ईमेल से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा अभी इंजमाम मलिक नाम लिखा हुआ, आगे पोस्ट तो वही शो हो रही है, मैं क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं लगाई, मैंने कंडीशन नहीं लगाई कि यार पोस्ट किसकी उठा के लाऊं। हम फायरबेस का जो फायर स्टोर पढ़ा था ना हमने, फायरबेस का जो फायर स्टोर पढ़ा था, दिखा देता हूँ वो कैसे होगा वो वाला काम। क्योंकि अब देखो मेरे पास जो बंदा लॉगिन है उसकी ईमेल मिल रही है ना, उसकी ईमेल मुझे मिल रही है, ये देखो इसमें malik@sysborg मिल रहा है। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं फेसबुक से करता हूँ अगर, तो उसमें डिफरेंट ईमेल है, उसमें सेम ईमेल थोड़ी है मेरी, वो डिफरेंट ईमेल है। ये लो अब की बार मुझे क्या मिला है, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अब देखो मुझे क्या ईमेल मिली है, malik@sysborg तो नहीं मिला, डिफरेंट मिला। तो इस ईमेल के बेस पे मैं डेटाबेस से हर यूज़र को डिफरेंट डेटा ला के दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ ना मैं ये। मैं बोलूँगा जो यूज़र के पास ईमेल है उस ईमेल से उठा के लाओ, और वो क्वेरी कैसे लगती है डॉक्यूमेंट्स में दिखा देता हूँ मैं। ऑथेंटिकेशन को बंद किया मैंने और फायर स्टोर में आया, राइट, क्लाउड फायर स्टोर। क्लाउड फायर स्टोर में आके जो रीड डेटा है वो, ठीक है, रीड डेटा के अंदर एक क्वेरी करके जगह होगी, क्वेरी क्यों नहीं आ रही इसमें, हाँ, परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्वेरीज, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड क्वेरीज। अब देखो शुरू में इन्होंने क्या किया, कुछ डेटा रखवा दिया डेटाबेस में और नीचे उस पर क्वेरी चला चला कर दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेरी क्या बताया इसने, सिंपल क्वेरी इसने बोला
के क्वेरी चलाओ, किस पे चलाओ, सिटीज जो है ना कलेक्शन उस पे चलाओ, और कौन सा डेटा उठा के लाओ जिसमें स्टेट इक्वल्स इक्वल्स है CA, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, आ जाता हूँ मैं अपने डेटाबेस में, मेरे डेटाबेस में आता हूँ मैं, और मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं इसको बोलूँगा ये जो पोस्ट है ना इसमें अभी मैं ईमेल सेट नहीं करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ ना ईमेल सेट नहीं करवा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा इसमें ईमेल भी सेट करवा दूँगा। आ जाते हैं ईमेल सेट करवा देते हैं, क्या ख्याल है? तो मुझे थोड़ा सा इसको अब चेंज करना पड़ेगा, मेरा जो करंट ऑपरेशन किया हुआ था मैंने, ठीक है। और हाँ ये रहा ना सेव पोस्ट, अब सेव पोस्ट में मैं ईमेल कैसे करूँगा, ये टेक्स्ट है और ये क्रिएटेड ऑन है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूज़र ईमेल या कोई भी इस तरह का नाम रख सकता हूँ मैं बोलूँगा फिर उसी वही वाली पोस्ट लाओ दूसरी मत लाओ। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, कौन बता सकता है, करंट यूज़र, ऑथ डॉट करंट यूज़र हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ये ऐसे होगा जैसे ऐप डॉट जी एस पे मैंने किया हुआ था, यहाँ जाता था मैं कहता था ऐप डॉट गेट ऑथ, सही है, और गेट ऑथ के ऊपर लगा के मैं बोलता था कि भाई करंट यूज़र, ऐसे ही होता था ना। तो किस पे जाना था मुझे, हाँ होम पे ना, तो सबसे पहले तो मैं होम पे आके ना यहाँ पे इसको रिक्वायर करूँगा, गेट ऑथ है यहाँ पे, गेट ऑथ नहीं है ना, इसको करना पड़ेगा रिक्वायर मुझे, अच्छा गेट ऑथ जो है फायर स्टोर से नहीं होता, वो होता है वहाँ से फायरबेस स्लैश ऑथ से होता है, इम्पोर्ट फ्रॉम फायरबेस स्लैश ऑथ, राइट। और मैंने यहाँ से बोला क्या ला के दो मुझे गेट ऑथ ला के दो, सही हो गया। और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा आके, जहाँ पे भी मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, किधर गया सेफ पोस्ट, ये ना, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा इसको, शुरू में ही मैं बोलूँगा कि कॉन्स्ट ऑथ इक्वल्स टू गेट ऑथ, सही है। और अब मैं यहाँ नीचे आके क्या बोलूँगा, ऑथ डॉट जो भी मुझे मिलता है, यहाँ पे डॉट लगा के क्या मिलता है मुझे, ऑथ डॉट ईमेल, ईमेल मिलती है डायरेक्ट, आई एम नॉट श्योर, करंट यूज़र मिल रहा है डॉट ईमेल मिल रही है, सही है। अच्छा ईमेल वेरीफाइड पे ट्रू फॉल्स मिलता है, मैंने सिर्फ ईमेल लिख दिया, मैंने कहा ठीक है भाई करंट यूज़र की ईमेल जो है वो यहाँ पे लिख दो आप। अब जब मैं नया डेटा यहाँ से ऐड करूँगा तो असूलन होना ये चाहिए कि क्या होगा, साथ में ईमेल भी जाके सेव होगी, किसकी, स्पार्कलिंग किंग की जो भी ईमेल है पोस्ट। अब मैं जाके देखता हूँ मेरे डेटाबेस में क्या आया है, देखो ईमेल भी आई है, ईमेल आ गई। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं डेटा गेट करता हूँ, जो डेटा मैं गेट कर रहा हूँ वो इधर कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्वेरी में क्या लिखा है, कलेक्शन और ये पोस्ट और ऑर्डर बाई इसमें लगाया है मैंने। अब इसमें क्वेरी अगर लगानी हो मुझे तो कैसे लगाऊंगा मैं, जहाँ से अभी देखा था हमने परफॉर्म सिंपल क्वेरी, ठीक है। तो मुझे क्या देना होता है इस क्वेरी के अंदर, पहला रेफरेंस कॉमा डाल के ये देना होता है, तो मैं लगा देता हूँ ये कॉमा डाल के, इस क्वेरी में पहला मुझे रेफरेंस देना होता है, ये रेफरेंस है, कॉमा डाल के मैंने ये लगा दी क्वेरी, और मुझे क्या चाहिए, ईमेल इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, है ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट ईमेल, यानी जो रखवाया है उसी के, उसी को मुझे गेट भी करना है। अच्छा ये वेयर पे इसलिए एरर दे रहा है, वेयर ऊपर इम्पोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। आ जाते हैं वेयर को ऊपर इम्पोर्ट कर लेते हैं, वेयर कहाँ से इम्पोर्ट होगा, फायर स्टोर से इम्पोर्ट होगा, ठीक हो गया, ठीक है। मैंने कहा वेयर ईमेल इक्वल्स टू, ये सी ए नहीं लिखूंगा अब मैं वही बात लिखूंगा जो मैंने नीचे लिखी थी, ये गेट ऑथ, गेट ऑथ मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। पहली लाइन में मैं गेट ऑथ कर लेता हूँ, गेट ऑथ कर लिया मैंने,
और अच्छा मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं क्योंकि मुझे पूरे कंपोनेंट में हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ रही है ना, तो कंपोनेंट की शुरू में ही कर लेता हूँ ऐसे गेट ऑथ सही है, और मैं नीचे सब जगह इस्तेमाल कर लूँ, ये भी ठीक तरीका है, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट ईमेल, राइट, कि अब जो उठा के लाना है ना आपने उसी यूज़र का उठा के लाना है, किसी और का नहीं लाना है। मैंने कोई गड़बड़ की क्या इसमें? काम करता हूँ इसको फिलहाल के लिए मैं अंदर ही ले आता हूँ, शायद ये बाहर रखने की वजह से एरर तो नहीं दे रहा है। एक मिनट ये मैं जरा देख लूँ इसमें मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा ईमेल, हाँ तो मिल रहा था, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये नहीं मिल रहा। ये मैं एरो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे अलग से दिखाए इसको, ये मिल रहा तो है यहाँ पे, फिर क्या मसला है? प्री कंडीशन फेल्ड, क्या मैंने क्वेरी लिखने में कोई गड़बड़ की है? सॉरी डेटा सेट, ये वाला डेटा डिलीट करके नया बना लेते हैं। चलो डिलीट कलेक्शन कर दिया मैंने पूरा, नया डेटा बना लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ पे आके अब कुछ लिख लेते हैं, एक पोस्ट दो पोस्ट तीन पोस्ट, ठीक है तीन पोस्ट तो मैंने बना दिए यहाँ पर, तीनों में ईमेल भी मौजूद है। ओह आई गॉट इट, ईमेल नहीं लिखा ना मैंने, यूज़र लिखा है यहाँ पर और यहाँ पे मैं ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है यूज़र चाहिए मुझे ऐसे, सही है ये गड़बड़ थी, अब तो सही हो जा। अच्छा एरर अभी भी आ रहा है, क्या गड़बड़ की है मैंने भाई? अच्छा इन्होंने इस एग्जांपल में ना जो क्वेरी लगाई हुई है उसमें इन्होंने सॉल्ट का ऑप्शन पास नहीं किया, तो मैं काम करता हूँ सॉल्ट को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मे बी जब मैं वेयर लगाता हूँ तो उसमें सॉल्ट उस तरह से नहीं पास किया जाएगा, कोई डिफरेंट तरीके से पास किया जाएगा, तो ये मैं ऑर्डर बाई को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है जस्ट इन केस कि अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा ऑर्डर बाई की वजह से ही हो रहा था, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें मुझे ऑर्डर बाई भी साथ में देना हो तो वो मैं कैसे दूंगा? ऑर्डर बाई पहले लगेगा पक्का? अच्छा क्वेरी के अंदर ये सारी चीज़ें आप पास कर सकते हैं कि लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल हो, इसमें कोई एग्जांपल इन्होंने ऐसी नहीं बताई कि ऑर्डर बाई कहाँ पे लगेगा। ये क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने तो, यार यहाँ तो सही लगाया हुआ है, वेयर लगाया हुआ उसके बाद ऑर्डर पाई है, तो मेरे पास क्यों ऐसा एरर आ रहा है? इन्होंने खुद तो यहाँ पे ऐसे ही किया हुआ है, क्वेरी के अंदर रेफरेंस फिर वेयर फिर ऑर्डर पाई, मैंने भी यही किया ऑर्डर पाई और डिसेंडिंग, सही तो किया है मैंने, मेरे पास एरर क्यों दे रहे हो? फिर आने लग गया हुआ, एक काम करते हैं इसके मशवरे पे ऑर्डर बाई को ऊपर करके देख लेते हैं, ऑर्डर बाई को मैंने ऊपर कर दिया, अब
अभी भी वो एरर है। इनकी एग्जांपल में तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है इनकी एग्जांपल। नहीं वो असेंडिंग डिसेंडिंग, चलो वो हटा देते हैं, डिसेंडिंग हटा देता हूँ। अब तो बिल्कुल सेम हो गया उनके जैसा, अब तो चलना चाहिए, अभी भी एरर है। क्रिएटेड ऑन, हाँ क्रिएटेड ऑन तो वही है ना जो पहले था, ये ना क्रिएटेड ऑन। सही तो है, नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है। यूजर इक्वल्स इक्वल्स दिस, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट नेम फायरबेस एरर। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा इक्वल टू लगा हुआ तो ऑर्डर नहीं लगा सकते कि कहाँ मेंशन किया हुआ है उन्होंने। ओह यू कैन नॉट ऑर्डर बाय क्वेरी इफ इक्वल टू इज। अच्छा फायरबेस में वैसे एक ये लिमिटेशन कह लें हम इसको, ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जिसकी वजह से मुझे फायरबेस पसंद नहीं है। इसमें एक क्वेरी लग सकती है एक वक्त में, उससे ज़्यादा नहीं लग सकती। ये कहते हैं कि यार आप एक मंगवा लो ना, जैसे आपने मैंने बोला यूज़र इक्वल्स टू दिस, अब बकाया काम जो है ना वो कहते हैं आप जब डेटा आ जाए ना फिर यहाँ पे करो लोकल अपने पास। कह रहे हैं कि जो मिसाल के तौर पर 2 मिलियन यूज़र हैं, अब 2 मिलियन यूज़र में सबसे पहले आपने बोल दिया भाई यूज़र इक्वल्स टू दिस, तो वो 2 मिलियन में से एक निकल के आएगा ना यूज़र, वो एक निकल के आ गया। अब उस एक के साथ क्या करना है, वो लोकल करना है। सही है, या आपने आपने ऐसा यूज़र मंगवाया कि 18 साल से कम वाले आ जाए सारे, तो 18 साल से कम वाले अब आ गया ना, अब ला के इधर सॉल्ट करना है वो आप खुद कर लो। ये इनका फिलॉसफी इनकी कुछ इस तरह की है ना। तो ठीक है भाई, नहीं है ये वाला ऑप्शन हमारे पास, नहीं कर सकते ये, 2 क्वेरी नहीं लगा सकते एक वक्त में। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ इस यूज़र का दिखा दिया इसने। अब मैं लॉग आउट करके अगर दूसरा यूज़र लॉग इन करता हूँ जो ईमेल वाला यूज़र है मेरा, तो उसमें मुझे वो पोस्ट नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा फेसबुक में क्या होता है आमतौर पर, ये सही इसने कहा बिल्कुल, कि ये वाला काम जो है मैं प्रोफाइल में दिखा दूँ और तमाम पोस्ट जो है वो मैं दिखा दूँ होम पेज पे। फेसबुक में ऐसे ही होता है, प्रोफाइल पे सिर्फ आपकी पोस्ट दिखती है और मेन पेज पे तमाम पोस्ट दिखती हैं। तुमने किया भाई ये वाला, गुड यार, ज़बरदस्त। अच्छा अब हमारी लास्ट एक चीज़ रह गई है, वो है मटेरियल यूआई।